अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ मेहताब नज़ीर एंड यू आर वॉचिंग मेहताब नज़ीर व्लॉग। धूप निकल चुकी है, मौसम भी कुछ साफ सा मौसम है, हवा चल रही है। क्योंकि मैं ऊपर के पोर्शन में मौजूद हूँ, तो आज मैं आपको लेके आया हूँ मज़ार कायद के म्यूज़ियम में। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, क्या क्या चीज़ें रखी हैं। टिकट काउंटर से भी हम टिकट लेंगे, फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं। टिकट ले लिया है तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम म्यूज़ियम के अंदर पहुंच चुके हैं। तो पहले आपको ओवरऑल म्यूज़ियम का मैं नज़ारा करा देता हूं, फिर आपको एक एक करके सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं यहाँ। ठीक है, चलते हैं। ये जो कार आप देख रहे हैं, इसका नाम है पैकार्ड कार, जो कि 1938 मॉडल है, जो इसका ओरिजिन है यूएसए से है। तो ऑफ वाइट कलर में कार है उनकी। तो कायद अजम साहब की ये ज़ाती गाड़ी थी जिन्होंने खरीदी। इसी के साथ ही मौजूद है इनकी कायद अजम की सरकारी कार कैडिलैक मॉडल 1947। ये सोफा सेट है कायद अजम का हाउस का। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल मौजूद है, इसके ऊपर चीनी के जो कटलरी है वो मौजूद है इसके ऊपर। ये कायद अजम अपने रिवायती लिबास में मौजूद है, इसके ऊपर जो सिग्नेचर है उनके वालिद साहब के हैं जिन्होंने 1896 में किए थे। ये कुछ की जवानी की तस्वीर है कि जवानी में कायद अजम साहब कैसे दिखते थे। तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पर्सनैलिटी के मालिक थे वो। ये कायद अजम के भाई अहमद अली जिना है, ये कायद अजम के वालिद मोहतरम जिना पुंजा। ये जब वो एक बैरिस्टर बने थे तो ये इनकी तब की तस्वीर है। ये उनका दूसरा थ्री पीस सूट है नेवी ब्लू कलर में। ये है उनकी शेरवानी जिसमें वो एक बेहतरीन लुक देते थे। साथ ही यहाँ पे उनके बूट्स मौजूद हैं जो वो पहना करते थे, पेयर ऑफ ब्लैक सेमी ब्रोच स्वीट शूज़, प्योर लेदर के बने हुए हैं इनके शूज़, देख रहे हैं आप। Thank you.
आपने जैसे देखा कि उनके यहाँ पे कुछ वेपन्स वगैरह रखे हुए थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर निशानेबाजी के शौकीन होंगे। ये उनके बाउल्स हैं कुछ, ये जैसे देख सकते हैं मेटल बाउल है जिसके ऊपर सिल्वर की मीनाकारी हुई है, ये लकड़ी का है वुडन बाउल, ये मैनिएचर जेड बाउल है, वुडन गोल बेट, डार्क ब्राउन लिक्विड वुडन बाउल,